जरूरी कौन है? नील्स मांगा है और नील्स भी है। एक अच्छा टॉस जीता, इनको परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए योजना के अनुसार खेलना होगा। एक खूबसूरत फील्डिंग टीम ने कमर दर्शकों के हर चलिए चलते हैं। बल्लेबाज तैयार है इस पारी की पहली गेंद खेलने के लिए। फील्डर के बाजू से रन चुरा लिए इन्होंने। आत्मविश्वास भरी अपील लेकिन अंपायर ने नकारा। रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ही उम्दा रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच। बल्लेबाज नई गेंद खेलने के लिए पूरी तरह तैयार। अब पता नहीं भैया ये गेंद कहां जाएगी। भाई गैप में खेलने का प्रयास लेकिन फील्डर मिले वहां पास। ये बहुत ही कठिन फील्ड है गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी। सीधा फील्डर के पास। बल्लेबाज सरलता से खेल पा रहे हैं इस शॉट को। गेंदबाज ने डीप एक्स्ट्रा कवर पर भी एक फील्डर लगाया है। खेला तो यह बढ़िया है लेकिन अंदरूनी फील्डर को मात नहीं दे पाए। गेंदबाज अपने पसंदीदा छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। गैप में खेलने का प्रयास लेकिन फील्डर मिले वहां पास। दूसरे छोर से तेज गति के गेंदबाज को लाया गया है। ये है जो बाउंड्री से इश्क फरमाते हैं। ये बात विपक्षी टीम को बखूबी मालूम है। गेंदबाज ने डीप एक्स्ट्रा कवर पर भी एक फील्डर लगाया है। भाई सीधा फील्डर के पास। बल्लेबाज सरलता से खेल पा रहे हैं इस शॉट को। जब ज्यादा फील्डर्स बाउंड्री की रक्षा कर रहे हो ना तो बल्लेबाज को सिंगल्स तोहफे के रूप में मिलते हैं। उल्टा गेंदबाजी। बल्लेबाज शॉट खेलने को देख रहे हैं लेकिन गेंद बल्ले से इश्क नहीं फरमा पा रही। तेज गति के गेंदबाजों को काफी आसानी से खेला इन्होंने। खेला तो यह बढ़िया है लेकिन अंदरूनी फील्डर को मात नहीं दे पाए। इस पारी की आखिरी गेंद आती हुई। बड़ा शॉट लगाया, ऊंचा भी था, लंबा भी था, बल्ले का बीचों बीच से था। कठिन फील्ड है गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी। ये लगा हाई शॉट, खूबसूरती से लगाया। क्षेत्ररक्षण में तब्दीली। बहुत लय में नजर आ रहे हैं। क्षेत्ररक्षण से बल्लेबाज को एक एक रन के लिए संघर्ष करा रहे। बहुत बढ़िया कप्तानी। जी हाँ बिल्कुल, अच्छा संपर्क मिलेगा। अच्छे, क्या शानदार जीत हासिल की है बल्लेबाज विजयी रन बनाने के बाद एक दूसरे को बधाई देते हुए। दोनों ही खेमों के प्लेयर आपस में एक दूसरे का हाथ मिलाते। सर
Let's congratulate our man of the match and catch him for a few words. I felt I was in top form today, and I'm really...